अहान, शनाया, रूपल और आयुष जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, कार वहां नहीं थी। ये देखकर आयुष बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अहान को झूठा साबित करने का मौका मिल गया था। अहान परेशान हो गया था। उसने कूल होते हुए कहा, ड्राइवर आसपास कहीं गया होगा, अभी बस आता ही होगा। आयुष, ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? दीदी, क्या आपको लगता है ये मेरे दोस्त ऐसे होंगे? दी यू नो, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं और फिर भी कह रहा है कि इसके पास लग्जरी कार और ड्राइवर है। कैन यू बिलीव इट? दी, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? डोंट यू फाइंड इट फनी? अहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये सोचकर परेशान था कि जहां वो भी जाता था, ये आलिया कैसे पहुंच जाती थी। मिस्टर अहान, आई एम रियली सॉरी, मेरा पेट सही नहीं लग रहा था इसलिए। इट्स ओके, अहान ने बहुत कामली कहा। थैंक यू मिस्टर अहान। अहान ने ड्राइवर को पहले ही कह दिया था कि वो उसे यंग मास्टर कहकर ना बुलाए, और इस बात की अच्छे से वो गांठ बांध ले। ब्रदर, क्या ये तुम क्या ये कार तुम्हारी है? नहीं नहीं, रेंट की है। भाई आप मजाक क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन होगा जिसे गाड़ी रेंट पर देनी पड़े? पैसों की कमी तो मुझे ही है, तुम तो देख ही सकते हो ना, मेरे कपड़े ऐसे हैं। नहीं नहीं भाई, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, इसे अपने दिल पे मत लगाइए भाई। अहान को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो शनाया और रूपल की तरफ मुड़ा और बोला, चले। दोनों ने हामी में अपनी गर्दन हिला दी। फिर तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्पीड से वहां से निकल गई। उनके जाते ही आलिया ने आयुष की तरफ गुस्से से देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, स्टुपिड आयुष, तुम्हें पता है कि दो दिन में उस आदमी ने मनाली में क्या क्या कर दिया है? उसने रजत चौधरी और अभिषेक चोपड़ा का एक एक हाथ तोड़ दिया था, फशिस्ट हाउस में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मींस? दोनों फैमिलीज उसके सामने कुछ भी नहीं है। आयुष का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। दीप, क्या वो मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है? वो मुझे मारेगा तो नहीं ना? आई डोंट थिंक सो, वैसा कुछ करेगा, वो तुम्हें माफ कर देगा, इतनी छोटी बातों पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उधर शनाया के मन में बहुत सारे सवाल थे, वो लगातार अहान को देख रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, अहान, ये कार किसकी है? ये मत कहना कि ये तुम्हारी क्लासमेट की कार है, मैं तुम्हारे क्लासमेट्स को जानती हूँ। टेल मी द ट्रूथ शनाया, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा। इतना सुनकर शनाया ने प्यार से अपना हाथ अहान के हाथ पर रख दिया। ये सब देखकर रूपल बहुत खुश थी। उसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। लंच करने के बाद शनाया ने कहा, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, मुझे तो मेरी ब्यूटी स्लीप चाहिए। फिर शनाया और अहान वहां से चले गए। दोनों फिर एक शॉपिंग सेंटर पहुंचे, जहां हर तरह के ब्रांड्स अवेलेबल थे। वो जैसे ही वहां पहुंचे, वो एक औरत से टकराए। वो बहुत हाई फाई थी। टकराते ही उस औरत ने उन्हें गाली दी और चिढ़ते हुए वहां से चली गई। उसे इग्नोर करते दोनों एक प्राडा के स्टोर में घुसे। तभी शनाया की नजर एक पर्स पर पड़ी और उसे वो बहुत पसंद आ गया। और इसी वक्त वो औरत जिनसे ये दोनों टकराए थे वहां आई और उसी पर्स को निहारने लगी। दोनों में पर्स लेने के लिए आई कॉन्टेक्ट हुआ और दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे। अब आगे क्या होगा, ये पर्स कौन खरीदेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।